जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 10 दिनों में 10 किलो तक वजन कम करें। आप लोग इस तरह के वीडियो टाइटल बहुत ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब के ऊपर और आप उसको फौरन क्लिक कर लेते हैं, और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर भी इसी टाइटल की वजह से आए हैं कि 10 दिनों में 10 किलो वजन कम करेंगे। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है। और नामुमकिन क्यों है और मुश्किल क्यों है और हम डाइटिशियन हजरात इसे मना क्यों करते हैं? देखें, वजन कम करना इज नॉट अ बिग डील, वेट कम हो जाता है, लेकिन वेट कम होने के साथ साथ जो आपके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपके वेट लॉस को सेकेंडरी पर्पज ले जाते हैं और जो डिजीज होती है वो आपका प्राइमरी पर्पज हो जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर हम वजन कम करना क्यों चाहते हैं? खूबसूरत नजर आने के लिए। चले जी, मान लिया कि आपने 10 किलो वजन 10 दिनों में कम कर लिया, आप फिजिकली तौर के ऊपर खूबसूरत हो गए, लेकिन जिस तरीके से आपने वजन कम किया है उस तरीके के जो साइड इफेक्ट हैं उसके अंदर आपका हेयर फॉल बहुत बुरे तरीके से हो रहा है। यानी कि आपने 10 किलो वजन कम करने के साथ साथ अपने 1.5-2 किलो जो बाल हैं आपके सर के ऊपर आप खत्म हो गए हैं, यानी कि अब आप दुबले पतले खूबसूरत गंजे इंसान हैं। क्या गंजा इंसान खूबसूरत होता है? जी हाँ, खूबसूरत होता है, लेकिन वो बंदा जिसके बाल पहले हों और अचानक 10-15 दिन के बाद बाल खत्म हो जाए वो खूबसूरत नहीं होता है। तो मेक श्योर, अगर आपने दुबले पतले खूबसूरत होना है तो आपने अपने हेयर्स, नेल, स्किन, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है वजन कम करने के साथ साथ। क्लियर? एक पंजाबी की बहुत बुरी कहावत है कि चबारे तो छत ते चढ़ोगे तो थोड़े डिगन के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जो तुम पौड़ियां थानी छत ते चढ़ोगे। पौड़ियां थानी छत ते चढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन तो डिगन के चांसेस बहुत घट तो घट होंगे, लेकिन जो तुम चबारे थानी छत ते चढ़ोगे तो डिगन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यही केस हमारे वेट लॉस जर्नी के अंदर है कि अगर आप शॉर्टकट अडॉप्ट करेंगे तो आपको इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे। इंजरी के चांसेस क्या हो सकते हैं? लीवर का मसला हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन टेक्सचर खराब हो सकता है, नेल्स खराब हो सकते हैं। यही अगर आप सीढ़ियों से चढ़ेंगे यानी कि बैलेंस डाइट के साथ तो आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सही तरीके से काम करेंगे, वेट लॉस भी हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और जो आपका पर्पज है जिस पर्पज के लिए आप वेट कम कर रहे हैं वो हमारा बगैर किसी साइड इफेक्ट के अचीव हो जाएगा। अब बहुत सारी मेडिकेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो कि क्लेम करती हैं कि आप इसको खाने से वेट कम हो सकते हैं। बहुत सारी की एड्स भी आती है और बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स दे रहे होते हैं जिनकी फेस वैल्यू की बदौलत हम उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं कि नहीं जी फलाने डॉक्टर ने इसकी कमर्शियल दी है, ये बड़ी इफेक्टिव है। अब उसमें होता क्या है? मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास ये चीज़ एक मेडिसिन है, मैं इसको खा लेता हूँ। अब जो मेडिसिन मुझे मिली है 10,000 रुपये की, अब मेंटल तौर के ऊपर मेरे सारी जो थिंकिंग है कि यार ये कि मैंने 10,000 की टेबलेट ली है इससे वेट कम करना है, वो जो 10,000 का जो आप कह लें कि एलिमेंट हमारे जहन में स्टक है ना, उसकी वजह से हम लोग खाना पीना भी कम कर देते हैं। हमें लगता है कि यार अब गोली खाई है थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, यार मैंने गोली खाई है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा खाना कम करना चाहिए। इस तरह करते करते आप सारी वो चीज़ें कर लेते हैं जो कि एक डाइट प्लान में मौजूद होती हैं। यानी कि मैं कहता हूँ आपको कि आपने खाना पीना कम खाना है, आपने वॉक ज़्यादा करनी है, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानते। आप लोग इस मेडिसिन को खाने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं क्योंकि आपका 10,000 लगा होता है। इस सारे सिनेरियो को कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, यानी कि आप जो सोच लेते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर देते हैं। इस प्लेसेबो इफेक्ट के पेशेंट नज़र आप अपना वजन कम कर लेते हैं और सारा क्रेडिट इस मेडिसिन को दे देते हैं कि मैंने ये मेडिसिन खाई थी, मेरे इस मेडिसिन खाने की वजह से मेरा वेट कम हो गया। हालांकि वो आपकी अपनी सारी एफर्ट होती है जिसकी वजह से आप वेट कम करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन जीत जाती है और फिर आप लोगों को रिकमेंड करते फिरते हैं कि ये मेडिसिन है, मैंने ये खाई थी, मेरा इससे वजन कम हुआ है, और इस चक्कर में उस कंपनी की इस मेडिसिन की सेल्स ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारा सिनेरियो। देखिए, जो बैलेंस डाइट है ना, बैलेंस डाइट ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर आपके साइड इफेक्ट्स, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपकी स्किन, हेयर्स, नेल, इनका कोई भी इश्यू नहीं होता। ये आप इस तरह एग्जांपल ले लें कि एक आप गाड़ी है जिसको आपने सही तरीके से ट्यूनिंग नहीं करवाई हुई, चेक नहीं किया हुआ, उस पर बैठ के आप इस्लामाबाद जा रहे हैं लाहौर से। दूसरी तरफ एक गाड़ी वो है जिसकी आपने ट्यूनिंग चेक करवाई है, पेट्रोल आपने चेक किया है, हवा पूरी करवाई है, अब उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इन दोनों गाड़ियों में से एमरजेंसी क्रिएट किस गाड़ी में होगी जिसमें हमने चेक एंड बैलेंस नहीं किया हुआ, जिसके अंदर हमने हवा चेक नहीं की, फ्यूल चेक नहीं किया, मेंटेनेंस चेक नहीं की, और वो गाड़ी जिसके अंदर हमने मेंटेनेंस सारी चेक की है, हवा चेक की है, पेट्रोल चेक की है, उसके अंदर एमरजेंसी होने के चांसेस बहुत कम है।
सेम इन केस ऑफ आवर बॉडी एंड फूड। अगर आपने अपने फूड को चेक किया है, आपको कौन सी सूट करेगी, कितनी खानी है, कब खानी है, क्यों खानी है, किस तरह खानी है, तो आपके वेट लॉस के अंदर कोई भी हर्डल नहीं आएगी। वही अगर आप दूसरे केस में चले जाएं कि अगर आपने नाप तोल के नहीं खाया, या तो खाना छोड़ दिया बिल्कुल, या बिल्कुल खाना बंद कर दिया, तो इस केस के अंदर भी आपका वेट कम नहीं होगा। तो मेक श्योर आपने कोई भी शॉर्टकट अडॉप्ट नहीं करना, आप टाइम ज़्यादा ले लें, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो एशियन पाकिस्तानी हैं, हमारा मसला यह है कि हम सब्र नहीं करते। जब हम डाइटिशियन को पे कर देते हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी परचेज कर लेते हैं, और हमारे घर वाले पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे होते हैं, और हम सामने अपना लेके बैठे होते हैं मील जो डाइटिशियन रिकमेंड किया होता है, उस चक्कर में हमें होता है कि नहीं यार, इसको मैं एज सून एज पॉसिबल वेट कम मैंने करना है, मैंने 30 दिन के अंदर 15 दिन कम करके दिखाना है, मैंने इनको मुँह तोड़ जवाब देना है। इस चक्कर में हम ना लोगों के पीयर प्रेशर में आके हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो आपने अब कोशिश ये करनी है कि आप किसी भी डाइटिशियन से सबसे पहले कंसल्ट करें, अपना केस डिस्कस करें, अपना कस्टमाइज डाइट प्लान लें। कस्टमाइज डाइट प्लान से मुराद कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि आपने क्या खाना है, आपकी कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आपने बर्न कितनी करनी है, उसके मुताबिक प्लान बनवाएं, ठीक है। और सबसे एक मेजर चीज़ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हम डाइटिशियन हजरात आप लोगों से पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, आप खुद क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, वो हम इसलिए पूछते हैं कि ताकि हमें रफली आइडिया हो जाए कि हमारा जो पेशेंट है उसकी क्लास कौन सी है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अब हम एक बंदा जिसकी मंथली इनकम 2000 है, हम उसको ग्रोसरी लिखते हैं डाइट प्लान वाली 15,000 रुपये की, तो मेरा नहीं ख्याल वो डाइट प्लान फॉलो कर सकता है। वही एज कम्पेयर टू अदर, एक बंदा जिसकी मंथली इनकम 1,00,000 है या 1 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम लिख देते हैं 2000 की, तो वैसे फॉर ग्रांटेड लेगा कि यार ये कितनी सस्ती चीज़ हमने लिख के दे दी है। तो हमने माइंड के साथ भी पेशेंट को लेके चलना होता है। तो डैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क टू यू गाइस कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपका अपना प्रोफेशन क्या है, सिर्फ एक रफली आइडिया लेने के लिए कि हमारा पेशेंट किस सोशल इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।